क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड एक्स। तो इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फिर ये हो गया 40 डिग्री। तो अब अपन ये दोनों एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इक्वल है। तो फिर एक पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो अपन 180 में से 50 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल्स को निकालने के लिए, ये दो हैं तो अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 2, 2 6 12 और 2 5 10, 65 डिग्री। तो फिर ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे 65 डिग्री और 65 डिग्री। तो अब अपन ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि इसमें दे रखा है ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है उसमें अपन को एक एंगल दे रखा है। तो फिर ये दोनों लीनियर पेयर है। तो फिर ये वाला एंगल निकालने के लिए अपन 180 से 65 माइनस करेंगे, तो फिर आएगा 115 डिग्री। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 115 डिग्री। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको पता ही होगा कि एक एंगल का, एक पूरे एंगल के तीनों साइड्स का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो पहले अपन इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 115 प्लस 40, तो फिर इसका आंसर आएगा 155 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए अब 180 में से अपन 155 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो अपना आंसर आएगा 25 डिग्री। तो फिर एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 25 डिग्री। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।